हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड देयर के बारे में पहले बात करते हैं स्टेट फंक्शन क्या होते हैं तो देखिए स्टेट फंक्शन थर्मोडाइनमिक सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए सिस्टम की पर्टिकुलर स्टेट में डेफिनेट वैल्यू होती है मीन्स स्टेट फंक्शन सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती हैं अब सिस्टम की वो स्टेट किस तरह से ऑप्टेन होती है उस पर स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता है Means हम कह सकते हैं जो स्टेट फंक्शन है उसकी वैल्यू में जो चेंज आता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है अब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कैसे जाता है तो स्टेट फंक्शन उस प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं सपोज किसी सिस्टम का टेम्परेचर इनिशियल स्टेट में 25 डिग्री सेल्सियस था अब अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर रेज करके 30 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो यहाँ पर दो स्टेट बन जाएगी ये हो जाएगी इनिशियल स्टेट और ये हो जाएगी फाइनल स्टेट अब सिस्टम का जो टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स स्टेट फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज आता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है अब ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कैसे हुआ है? इस पर स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता है देखिए अगर ये टेम्परेचर 25 से 35 होता है और फिर 30 पे आता है तो 25 डिग्री सेल्सियस इनिशियल स्टेट होगी और 30 डिग्री फाइनल स्टेट होगी तो सिर्फ स्टेट फंक्शन इन दोनों वैल्यूज पर डिपेंड करेगा अब 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर के थ्रू कन्वर्ट होता है तो स्टेट फंक्शन इस 35 डिग्री सेल्सियस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये इनिशियल स्टेट स्टेट और फाइनल के बीच का पाथ का प्रोसेस हो गया अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे जाते हैं अब इसके लिए यहाँ पर दो रास्ते हैं एक रास्ता ये हो गया और दूसरा रास्ता ये हो गया ये हो जाएगी हमारी इनिशियल स्टेट और ये हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट तो यहां पर जो पोजिशन में चेंज आ रहा है वो हमारा स्टेट फंक्शन हो जाएगा अब इस पोजिशन से हम इस पोजिशन पर कैसे पहुंचे मीन्स हमने ये रास्ता सेलेक्ट किया या ये रास्ता सेलेक्ट किया तो इस पर स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता है अब स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और एनर्जी अब अगर हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हो जाएगी वॉल्यूम की इनिशियल स्टेट और ये हो जाएगी वॉल्यूम की फाइनल स्टेट अब स्टेट फंक्शन के डिफरेंशियल की बात करें तो ये एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल होता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम अप्रोप्रिएट लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं अब देखिए स्टेट फंक्शन परफेक्ट डिफरेंशियल होता है इसलिए ये आइलर रेसिप्रोकॉल या रेसिप्रोसिटी रिलेशन को फॉलो करता है अब बात करते हैं पाथ फंक्शन की तो देखिए पाथ फंक्शन थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो चेंज आता है उसके पाथ पर डिपेंड करती है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आते हैं तो हमने कौन सा रास्ता सेलेक्ट किया है तो अगर कोई सिस्टम इस रास्ते पर डिपेंड करता है तो उसको हम पाथ फंक्शन कहते हैं पाथ फंक्शन इन दोनों स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हीट और वर्क अब पाथ फंक्शंस के जो डिफ्रेंशियल होते हैं वो इन एग्जेक्ट होते हैं और इन एग्जेक्ट डिफरेंशियल को हम अप्रोप्रिएट लिमिट के बीच में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं अब पाथ फंक्शन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं इसलिए ये आइलर रेसिप्रोकॉल रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट नहीं कर सकते अब स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं देखिए यहाँ पर हम ये दो पॉइंट ले रहे हैं अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं तो ये हो जाएगी हमारी इनिशियल स्टेट और ये हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट अब स्टेट फंक्शन की बात करें तो ये इस स्टेट पर ही डिपेंड करेगा अब बात करें पाथ फंक्शन की तो उसके लिए इन दोनों पाथ की वैल्यू डिफरेंट आएगी जैसे अगर हम वर्क की बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में अगर हम दोनों पाथ को कंसिडर करें तो दोनों पाथ के लिए वर्क की वैल्यू डिफरेंट आएगी जैसे अगर हम इस पाथ की बात करें तो इसके लिए ये एरिया डिफरेंट आएगा तो इसके लिए वर्क की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी और अगर हम इस पाथ की बात करें तो इसके लिए एरिया की कैलकुलेशन डिफरेंट आएगी तो यहां पर डिफरेंट वर्क होगा अब हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को एग्जाम्पल से समझते हैं यहां पर हम आइडियल गैस का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी होती है तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना है कि डी वी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो देखिए अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होता है तो इसके लिए टोटल डिफरेंशियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं अब आइडियल गैस के लिए पी वी आर टी के इक्वल होता है और V की वैल्यू हो जाएगी आर टी अपॉन पी अब देखिए अगर हम आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम को कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू आर अपॉन पी आएगी और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन टू में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन फोर आ जाएगी अब इक्वेशन फोर को हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं मीन्स यहाँ पर हम मिक्सड सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं और इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज आती हैं और इसके लिए ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं इक्वेशन फाइव और सिक्स आइलर रेसिप्रोसिटी रिलेशन को फॉलो करती है तो इस वजह से डी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा और वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन होगा इसी तरह से हम आइडियल गैस के लिए ये प्रूव करेंगे कि डी एक इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है देखिए वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होता है तो इसके लिए टोटल डिफरेंशियल ये हो जाएगा अब आइडियल गैस के लिए पी वी आर टी के इक्वल होता है तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी आर टी अपॉन पी अब अगर हम वॉल्यूम का पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आती हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर आ जाएगी अब हम वर्क की बात करें तो उसकी वैल्यू पी होती है तो इक्वेशन फोर से हम dv की वैल्यू को इक्वेशन फाइव में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी अब यहाँ से ये p से p कैंसिल हो जाएगा और ये p से p कैंसिल हो जाएगा फिर इस इक्वेशन में जो आर टी अपॉन पी है वो v के इक्वल होता है तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सिक्स अब इक्वेशन नंबर सिक्स का हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे मीन्स यहाँ पर हम क्रॉस डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहां पर हम आर को कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अब देखिए यहां पर जो आर है वो गैस कॉन्स्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो अब इसकी वैल्यू जीरो है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो उसमें कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ चेंज आते हैं लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है तो हम ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि डी डब्ल्यू जो है वो एक इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और ये आइलर रेसिप्रोकॉल रिलेशन को फॉलो नहीं करता है तो इस वजह से डब्ल्यू एक पाथ फंक्शन हो जाएगा